नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्काईटेक न्यूज के अंदर। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम एंजल वन और अपस्टॉक, ये कंपेरिजन वाली वीडियो है। दोस्तों, अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपके लिए दोनों में से कौन सा ब्रोकर बेस्ट रहेगा और उनकी क्या क्या सर्विसेस है, क्या क्या फीचर्स है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से लेने वाले हैं। तो दोस्तों, छोटी सी वीडियो होंगी लेकिन आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकती है कि आप अपने लिए सही ब्रोकर चूज कर पाए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक ही बात कहूंगा, आप अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे मेन अगर बात करेंगे दोस्तों, हम इस वीडियो में क्या क्या जानने वाले हैं, यहाँ पे हम बेसिक डिटेल्स एंड फ्यूचर्स रेटिंग्स जानने वाले दोनों के अंदर, प्रोडक्ट एडिशनल फ्यूचर्स, अकाउंट ओपनिंग एंड एएमसी चार्जेस, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कौन से दोस्तों, इनके ब्रोकरेज चार्जेस क्या रहेंगे दोनों के अंदर, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या है और चार्टिंग इंटरफेस जो इनका कैसा है, इसके बारे में बात करेंगे हम। और मेरे लिए कौन सा फेवरेट है दोनों में से, ये भी मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो सबसे मेन जो है दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं बेसिक डिटेल्स के अंदर से। तो जैसे बेसिक डिटेल्स के बारे में, बेसिक डिटेल्स के अंदर एंजल वन और अपस्टॉक, आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रोकर टाइप जो है, एंजल वन जो है फुल सर्विस ब्रोकर है दोस्तों। यहाँ पे सब तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं, जैसे ये अपस्टॉक जो है डिस्काउंट ब्रोकर है। यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग की बात करें चार्जेस की, तो एंजल वन के अंदर आपको फ्री मिल रहा है, स्टॉक के अंदर अभी तो फ्री चल रहा है दोस्तों, नहीं तो 49 रुपीज से लेकर 249 रुपीज तक कभी कभी इनके चार्जेस होते हैं। आज की डेट में मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तो फ्री चालू है। अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस की बात करें दोस्तों, तो एंजल वन के अंदर 240 रुपये पर एनम यानी सालाना 240 रुपये यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अपस्टॉक के अंदर हमें 249 रुपीज यहाँ पे हर साल को चार्जेस लगेंगे। आगे बात करते हैं और क्या क्या हमें यहाँ पे ब्रोकर रेटिंग की बात करें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रोकर रेटिंग के अंदर एंजल वन और अपस्टॉक के अंदर विजिबिलिटी जो है दोस्तों, एंजल वन की 3 स्टार रेटिंग हमें दिख रही है, अपस्टॉक के अंदर 4 स्टार। चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे 4 स्टार, यहाँ पे 3.7 स्टार है। और कस्टमर सर्विस की बात करें, यहाँ पे हमें 2.5 स्टार एंजल वन के अंदर और अपस्टॉक के अंदर 2.5 स्टार देखने को मिल रहे है। आगे बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में, ये कौन से प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करते हैं अपने डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। यहाँ पे इक्विटी के अंदर आप ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोनों के अंदर, कमोडिटी में भी आप एंजल वन के अंदर भी और अपस्टॉक के अंदर भी कर सकते हैं, फ्यूचर्स के अंदर इंडेक्स हो या स्टॉक फ्यूचर्स हो, आप पे आप ट्रेड यहाँ से कर सकते हैं। ऑप्शंस के अंदर चाहे इंडेक्स हो, स्टॉक ऑप्शन हो, यहाँ से भी आप ट्रेड कर सकते हैं। करेंसी के अंदर भी आप यहाँ पे फ्यूचर्स के अंदर, कमोडिटी फीचर्स के अंदर यहाँ पे सब ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे तो दोनों हमें बराबर दिखाई दे रहे हैं। आगे सबसे मेन जो बात है दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे ब्रोकरेज चार्जेस की, एंजल वन के अंदर और अपस्टॉक के अंदर। इक्विटी और डिलीवरी के अंदर एंजल वन के अंदर 0 चार्जेस हमें दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे अपस्टॉक के अंदर हमें 2.5% और 20 रुपये दोनों में से जो एक चार्ज हमें यहाँ पे लगने वाला है। इक्विटी इंट्राडे में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे एंजल वन के अंदर 0.25% है, यहाँ पे अपस्टॉक के अंदर हमें 0.5% या 20 रुपये, यहाँ पे एंजल वन के चार्जेस हमें थोड़े बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इक्विटी फ्यूचर्स की बात करें दोस्तों, तो हमें यहाँ पे 0.25% चार्जेस एंजल वन में लग रहे हैं और अपस्टॉक के अंदर हमें 0.5% या 20 रुपये जो भी है यहाँ पे लगने वाले। स्टॉक और इंडेक्स ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे फ्लैट पर ऑर्डर 20 रुपीज है दोस्तों, यहाँ पे भी 20 रुपये अपस्टॉक के अंदर हमें दिखाई दे रहे। कमोडिटी फीचर्स की बात करें, यहाँ पे 0.25% और अपस्टॉक के अंदर 0.5% या 20 रुपीज। कमोडिटी ऑप्शन की बात करें, एंजल वन के अंदर 20 रुपीज लग रहे हैं और अपस्टॉक के अंदर भी हमें 20 रुपये लग रहे। कॉल एंड ट्रेड की बात करें, यहाँ पे एंजल वन के अंदर 20 रुपये, अपस्टॉक के अंदर भी हमें यहाँ पे 20 रुपये। तो चार्जेस की यहाँ पे बात करें तो थोड़े बहुत हमें यहाँ पे एंजल वन के अंदर ब्रोकरेज चार्जेस यहाँ पे ज्यादा दिखाई दे रहे, लेकिन दोस्तों वो फुल सर्विस ब्रोकर होने के कारण
वजह से यहाँ पे हमें थोड़े बहुत ज्यादा चार्जेस देखने को मिलते हैं। अभी आगे बात करते हैं फीचर्स के अंदर। फीचर्स के अंदर दोस्तों हमें यहाँ पे देखेंगे सबसे मेन जो यहाँ पे 3 in 1 अकाउंट एंजल वन के पास नहीं है। यहाँ पे आप स्टॉक के अंदर आप डायरेक्टली ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे इनके पास है फ्री ट्रेडिंग कॉल्स जो है सबसे बड़ी, यहाँ पे एंजल वन के पास हमें देखने को मिलती है। एंजल वन प्रोवाइड करता है अब स्टॉक, कोई भी फ्री ट्रेडिंग कॉल्स प्रोवाइड नहीं करता। फ्री रिसर्च रिपोर्ट की बात करें, यहाँ पे डेली रिसर्च रिपोर्ट आती है एंजल वन की, अपस्टॉक ये प्रोवाइड नहीं करता। यहाँ पे ये दोनों चीजें ये प्रोवाइड नहीं करते। एसएमएस अलर्ट की बात करें, दोनों तरफ आपको एसएमएस अलर्ट मिल जाए। मार्जिन फंडिंग की बात करें, यहाँ पे आपको मार्जिन फंडिंग एंजल वन के अंदर भी मिलेगी और अपस्टॉक के अंदर भी मिलेगी। मार्जिन अगेंस्ट शेयर, शेयर प्लेस करके आपको यहाँ पे मार्जिन जो है दोनों तरफ मिलने वाले, एंजल वन के अंदर भी और अब स्टॉक के अंदर भी हमें ये चीजें दोनों तरफ देखने को मिली। बात करें इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की दोस्तों, यहाँ पे म्यूचुअल फंड में एंजल वन में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अब स्टॉक के ऐप से आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड टाइप यहाँ पे रेगुलर कर सकते हैं, यहाँ पे बोथ कर सकते हैं। आईपीओ प्लेटफॉर्म की बात करें, दोनों तरफ आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों लगभग हमें तो यहाँ पे दोनों ब्रोकर और इनके दोनों के प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे हैं, एप्लीकेशन भी अच्छे हैं। आपको कौन सा ब्रोकर सही लगता है वो आपको अपने हिसाब से चूज करना है। हमें जो जितनी जानकारी आपको देनी थी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने दी। यहाँ पे लगभग हमने सारी बातें कवर की आपके लिए, चार्जेस वगैरह सब सब चार्जेस। जनरली दोस्तों हमारे लिए ब्रोकरेज चार्जेस, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, ये सब चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, प्लस कस्टमर सर्विस और चार्टिंग इंटरफेस। चार्टिंग इंटरफेस दोस्तों दोनों इनका अच्छा है, मुझे तो इन दोनों में से अब स्टॉक अच्छा लगता है। आपको क्या अच्छा लगता है आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो एंजल वन और अपस्टॉक दोनों का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया है। आप वहां से अपनी मर्जी से जो भी चाहे जिसके साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और जरूर शेयर कर देना दोस्तों। और हमारे चैनल पे हमने बहुत सारी टेक्निकल एनालिसिस और डीमैट अकाउंट रिव्यूज के बारे में वीडियोस बना के अपलोड किए दोस्तों, एक बार उन्हें एक जरूर चेकआउट करें ताकि आपको आने वाले समय में आपकी ट्रेडिंग में वहां से अच्छी खासी बेनिफिट देखने को मिले। आशा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।